सामने ऊपर 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 नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं बहुत। और जिसने नफरत लगाया हमारे परिजन को नफरत है, मैं उनसे भी कहूंगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ। लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं इरफान जी, बताइए इस पूरे कांड का। अब वो क्या बता रहे हैं, उनको तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे उनको मैं कहूंगा, हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई जिससे उसे लड़ना है, हमें आपस में क्या लड़ना है। पूछताछ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूछताछ जो भी हो, मैंने कहा दुनिया की कोई भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा देखिए। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड में ईडी आज कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ कर रही है। पूर्व में ईडी ने 13 जनवरी को भी इरफान को बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इरफान ने 2 सप्ताह का वक्त एजेंसी से मांगा था। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 6 फरवरी की सुबह हाजिर होने को कहा है। मामले में राजेश कच्छप से 7 फरवरी व नमन विक्सल कुंगाड़ी से 8 फरवरी को पूछताछ होगी। तीनों विधायक 30 जुलाई 2022 को 48 लाख कैश के साथ हावड़ा में गिरफ्तार किए गए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।